छत्तीसगढ़ के जांजगीर स्थित हनुमान जी के मंदिरों में तोड़फोड़ करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गुरुवार रात को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक अभी फरार है। बताया जा रहा है कि मंदिर के सामने शराब पीने से मना करने पर आरोपियों ने तोड़फोड़ की थी। घटना के बाद लोगों के आक्रोश को देखते हुए पुलिस ने देर रात दो मंदिरों में मूर्तियां स्थापित करा दी। दरअसल नवागढ़ क्षेत्र के मिजदा गाँव और शिवरी नारायण के केरा रोड और दुर्बा गाँव के पास स्थित हनुमान मंदिरों में बुधवार देर रात तोड़फोड़ हुई थी। ताला तोड़कर घुसे असामाजिक तत्वों ने मंदिर में स्थापित हनुमान जी की मूर्ति तोड़ी। धर्मध्वज को भी निकाल कर फेंक दिया गया। बाद में पुलिस ने खंडित मूर्ति को पास के ही नहर से बरामद किया। इसके बाद जमकर हंगामा हुआ था। ग्रामीणों से पूछताछ के बाद सामने आए हुलिये के आधार पर साइबर सेल की मदद से आरोपियों को कैसला निवासी मनीष साहू और संजू पटेल को गिरफ्तार किया गया, जबकि तीसरे आरोपी राजेश साहू को पुलिस अभी तलाश कर रही है। बने जिला प्रमुख व ब्लॉक प्रमुख रिपोर्टर और पाए मौका प्रदेश की सबसे बड़ी न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज के साथ जुड़ने का। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।